हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट आपके इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 जीके क्वेश्चन देंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे और आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। आज हमारा दूसरा क्वेश्चन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी सोनीपत। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हिसार। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी भाषा देव भाषा है। ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी खड़ी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी पाली। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत। चौथा क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 27 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 27 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 27 अगस्त 1955, ऑप्शन डी 27 अगस्त 1960। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 27 अगस्त 1947। पांचों क्वेश्चन, पंजाब का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी फिरोजपुर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी गुरदासपुर। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो आज का हमारा है 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब के किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी बठिंडा, ऑप्शन डी मोहाली। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मोहाली। सातवां क्वेश्चन, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1950। हमारा 8वां क्वेश्चन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो इसका आंसर है 1956। हमारा 9वां क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए रेतीला भाग, ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग, ऑप्शन सी मैदानी भाग, ऑप्शन डी शैवालिक भाग पहाड़ी भाग, ऑप्शन डी शैवालिक का पहाड़ी भाग। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मैदानी भाग। हमारा लास्ट क्वेश्चन, नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसने किया। ऑप्शन ए मनोज तिवारी, ऑप्शन बी मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन सी हृदय नारायण दीक्षित, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। ये हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट हिंदी जीके। आई होप कि आपने अपने आप को रैंक किया होगा। कमेंट में बताया होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम उपलब्ध हो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।